विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और शुक्रवार और शनिवार की रात्रि में हुई पत्थरबाजी की घटना का विरोध जताया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल के कार्यकर्ता भारत माता चौराहे पर शनिवार शाम को एकत्रित हुए, उसके पश्चात वाहन रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्ग पुस्तक बाजार, घंटाघर, नया बाजार, बारादरी, फवारा चौक होते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और मुस्लिम समाज के युवाओं द्वारा बेहद बेवजह विवाद करते हुए मारपीट कर गाली गलौज करने के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन प्रतिनिधि को सौंपा गया है, जिसमें सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि बीती कल देर शाम को स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी में अल्पसंख्यक समाज के युवाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होते हुए हिंदू वर्ग के युवाओं को घेरा और विवाद किया। मारपीट की, गाली गलौज के मामले को लेकर कानून सम्मत चलते हुए पीड़ित युवाओं ने स्थानीय नीमच के एंड थाने पर शिकायत की। पीड़ित पक्ष होने के बावजूद प्रशासन ने हिंदू युवाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में उक्त पूरे मामले को निष्पक्ष जांच कराए। अंबेडकर कॉलोनी सहित शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इस विषय को लेकर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल के कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश को प्रेषित की गई है। इस दौरान वे बजरंगदल के जिला संयोजक टीम कुमार, जिला मंत्री लक्ष्मण सिंह राठौर, जिला सहमंत्री कैलाश मालवी, जिला सुरक्षा प्रमुख ब्रजेश छपरी, जिला अर्चक पुरोहित राम अवतार शर्मा, नगर अध्यक्ष संजय यादव, नगर उपाध्यक्ष प्रकाश रावत, नगर संयोजक कपिल बैरागी, सह संयोजक पवन जयेश्वर, नगर मंत्री दिलीप ग्वाला, नगर सहमंत्री अर्थव व्यास, बल उपासना प्रमुख मोहित प्लास, सुरक्षा प्रमुख महादेव राठौर, रवि गोयल, पुष्कर यादव, देवेंद्र यादव, विनोद राजोरा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज द्वारा जो लड़के थे मुस्लिम के, जो गुंडागिर्दी सरेआम करते हैं, ऐसे मुस्लिम के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जहां जहां इनका आतंक है इनका आतंक खत्म होना चाहिए। जो रात को किसी भी बहाने से वहां पे गए और वहां झगड़ा करा, किसी भी तरीके से हिंदुओं के घर में घुसना और मारपीट करना, इसी घटना करी इन्होंने। तो आज यहाँ किस संदर्भ में ज्ञापन सुबह क्या? अभी हमने एसपी साहब के नाम ज्ञापन दिया है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द, ऐसे गुंडों को जल्द से जल्द रासुका के तहत इनको बंद करना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मण राठौर, विश्व हिंदू परिषद, जिला मंत्री। नीमच यादव मंडी अम्बेडकर कॉलोनी में बीती रात को लगभग 11:30 बजे धर्म विशेष के लोगों द्वारा जानबूझकर विवाद किया गया। हमारे जो है हिंदू समाज के कुछ लड़के वहां पर खड़े होकर जो है सामान्य अपने कार को पार्क कर रहे थे, उस दौरान उन लोगों ने आकर कार के ऊपर पैर रखा और जब उनको इस चीज़ के टोका गया तो विवाद करा और विवाद इतना बढ़ते बढ़ते जो है उसको बढ़ा लिया कि 100-150 की संख्या में वो लोग हथियार लेकर आ गए और यादव समाज के, हिंदू समाज के घरों को नुकसान पहुंचाया। उस संदर्भ में जब रात को जो है पुलिस के लिए प्रकरण करने थाने पर पहुंचे तो पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने की अपेक्षा दोनों पक्षों पर कार्रवाई करके और दोनों पक्षों को करा दिया। इस तरह से जो है 4-4 लोगों पर, दोनों पे जो है कार्रवाई हुई है। आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो है नेतृत्व में सब हिंदू समाज जन एकत्रित हुआ है और माननीय जो है एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और हम चाहते हैं कि कम से कम भी सीएसपी स्तर के अधिकारी से इस मामले की जांच हो। साथ ही अंबेडकर कॉलोनी और ऐसे जहां भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पे तुरंत कैमरे लगाए जाएं और सिर्फ खाली प्रशासन जो है दोनों पक्षों को चुप करने के लिए कार्रवाई नहीं करे, इस चीज़ की निष्पक्ष जाँच हो कि गलती किसकी थी और उस तरह से निष्पक्ष जो है कार्रवाई की जाए।